अच्छा जनाब, हम आ गए हैं अपने HRF के टूल के अंदर, और हम जिस वेबसाइट पे काम कर रहे थे, ये वन ऑफ द ब्रांड्स जो मैंने लॉन्च किया था, आई थिंक, पता नहीं मैंने आपको बताया था इसका नहीं, तो मैं फिर बताऊंगा कि ये क्या है सीन। दो कीवर्ड्स थे जिस पे हमने दो नए पेज बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लो। एक ये है, ठीक है, और ये कीवर्ड जिस पे हम बेसिकली काम कर रहे थे, ये अभी 6-7 दिन भी नहीं हुए इसको, वो कीवर्ड था रॉयल ब्लू नेल्स। वो आप वीडियो देखोगे ना, आपको सारा समझ आ जाएगा। दूसरा कीवर्ड था ये वाला जो हम जिस पे काम कर रहे थे, और ये कीवर्ड था Y2K नेल्स। आपको ये दर्द नज़र भी आ रहा है, ये स्टेटस में दिखा रहा है न्यू एंड न्यू। जब भी वो HRF नए पेजेस पकड़ता है तो वो थोड़ी कुछ टाइम के लिए ना उसने न्यू साथ लिखा हुआ होता है। आप ये देखो, ये ट्रैफिक वाला ग्राफ है जो ऑरेंज में आपको नज़र आ रहा है, तो और जो ब्लू वाला ग्राफ है वो पेजेस हैं जो इस वेबसाइट के हैं। तो ये ऑरेंज ऑरेंज वाला इज़ ट्रैफिक। तो मैंने आपको बताया था कि इस वेबसाइट पे पहले मैं ज़्यादा ऑर्गेनिकली इतना कोई काम नहीं कर रहा था, मोस्टली पेड एडवर्टाइजमेंट जो है उस पे ज़्यादा काम कर रहे थे, लेकिन अब स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की है और ऑर्गेनिक पे मैंने फोकस करना शुरू किया है। तो मैंने कहा साथ साथ आपको भी दिखाता जाऊँ। अच्छा ये देखो यार, ये 23rd February वगैरह, इस वक्त ऑर्गेनिक ट्रैफिक इस पे 200 एट द मोस्ट यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। और जब से ये दो कीवर्ड मैंने अभी बनाए हैं, ये कहाँ पहुँच गई, ये 800 पे तो पहुँच गई है। अभी मैंने काफ़ी सारे कीवर्ड्स पे काम करना है, एंड आई एम होपिंग के बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमें अच्छी ट्रैफिक जो है ना इस पे मिलना शुरू हो जाएगी। तो बट जस्ट टू शो यू के व्हाट्स पॉसिबल, और अगर आप सही तरीके से करो तो क्या हो सकता है। तो इसी तरह, और अभी ये कीवर्ड्स अपने टॉप पे नहीं पहुंचे हैं, ये तो अभी 10-11 के आसपास कहीं खड़े हुए हैं। तो इनका जो अभी ट्रैफिक पोटेंशियल है ना, वो इस वक्त प्रॉबेबली 100 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड पेज तक पहुँच जाते जाते ट्रैफिक ऑलमोस्ट 70-80% ड्रॉप हो चुकी होती है। फर्स्ट थ्री जो पोजीशंस हैं, फर्स्ट वाली की सबसे ज़्यादा होती है, और सेकंड थर्ड में भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और उसके बाद तो बस ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है। इवन देन आपको इतनी ट्रैफिक यहाँ से मिल रही है। अभी जब ये टॉप की पोजीशंस पे पहुँचेंगे होपफुली, तो तब क्या सीन होगा, तब मैं आपको दोबारा अपडेट दूंगा। अच्छा जल्दी से देखते हैं, ये वो पेज था जो लास्ट वीडियो में मैंने लाइव बनाया था, इसको देखते हैं ये किधर पहुंच गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखो, ये पेज जब हमने बनाया तो यूजली एक आधे दिन के अंदर ना HRF पिक कर लेता है उसे, तो ये 22nd March दिखा रहा है जब HRF ने इसको पिक किया है। आज देख लेते हैं आज डेट क्या है। आज है जी 27th March, और ये क्या है 22nd March। अभी 5 दिन भी नहीं हुए, 5 दिन में हमें इस एक पेज से ये 175 ट्रैफिक मिल रही है, और ये अभी स्टार्ट हुआ है, इसने काफ़ी ऊपर जाना है। 6 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे ये पेज जो है वो रैंक कर रहा है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो सबसे बड़ा कीवर्ड जो था वो था ये रॉयल ब्लू नेल्स, जिसको हमने टारगेट किया था पिछली वीडियो में। इसको अभी देखो, चेक करो यार ये ग्राफ, ये मतलब कहीं नहीं ही, और अब ये ओके, दिस इज ऑन 11th नाउ। इसकी ट्रैफिक अभी 11th पे है, तो ट्रैफिक आ रही है, जब ये 1 के आसपास पहुंचेगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। तो अभी ये 11वीं पोजीशन पे है, 10,000 इसका वॉल्यूम है, तो इट विल बी अ गुड। अच्छा वो मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि मैंने काफ़ी सारे ना रॉयल ब्लू से मिलते जुलते, रॉयल ब्लू नेल्स जो मेन कीवर्ड था उसे मिलते जुलते कुछ कीवर्ड्स है जिनको मैंने टारगेट किया था उस आर्टिकल में। तो आप भी वैसे ही एग्जैक्टली फॉलो करके वो करना,
तो फिर अभी तो ये इसने 6 पकड़े हैं, कुछ अभी जिनसे ट्रैफिक नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि इवेंचुअली इनसे भी हल्की फुल्की ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। होता क्या है कि वो मिलजुल के जब सारे कीवर्ड्स एक एक करके पुश करते हैं ना, तो वो पेज अच्छा ऊपर जाना शुरू हो जाता। एक ये था, इसको तो अभी 5 दिन हुए हैं, ठीक है। ये वाला एक जो दूसरा था Y2K Nails, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से कि ये कहाँ तक पहुँच गया है। अच्छा जी, ये हमने ये HRF ने पिक किया अराउंड 6 मार्च को, और इस पर भी 99 ट्रैफिक आ रही है, और ये 11 कीवर्ड्स के लिए इस वक्त कहीं ना कहीं रैंक कर रहा है, लेकिन एक आधे से ही अभी ट्रैफिक आ रही है, लेकिन होपफुली इवेंचुअली कुछ ना कुछ बाकियों से भी आना शुरू हो जाएगी। तो अगेन ये अभी पहुंचा हुआ है जी, 9 तक गया था, 11 पे अभी आया हुआ है, और ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी भी जो है ना एक ही तरह का ग्राफ नहीं होता, ये हमेशा इस तरह, बट इवेंचुअली आप आहिस्ता आहिस्ता, होता क्या है कि गूगल जो है ना हर वक्त टेस्ट कर रहा होता है, ऑल द टाइम नए पेजेस आ रहे होते हैं, उनको टेस्ट कर रहा होता है, यूज़र के सामने फेंक के देखता है कि यार लोग रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो फिर दूसरा, जब आप असेस कर रहा होता है गूगल, जब आप कोई नई चीज़ बनाते हो, उसकी अगर फर्ज करो बैक लिंकिंग वगैरह करते हो, तो उस टाइम वो गूगल उसको दोबारा वापस नीचे लेके आता है, और दैट इज़ द टाइम जब गूगल उसको असेस कर रहा होता है कि अब मैंने इसको दोबारा किस पोजीशन पे लेके जाना है। तो ये ऊपर नीचे हो के इस तरह जाता है। तो ये था जी छोटा सा क्विक अपडेट। वीडियो ज़रूर देखना अगर आपने जो है ये प्रोसीजर अपने वेबसाइट्स में इम्प्लीमेंट करना है और ट्रैफिक लेनी है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओके, बाय।